देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बड़ी खबर ये, कृषि कानून का विरोध हो रहा है और अन्नदाता का दिल्ली कूच का पूरा प्रोग्राम, जिसको रोकने के लिए की गई है भरपूर कोशिश। श्वेता जी हाँ, और जिस तरीके से किसान जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है लक्ष्मी। और लगातार अगर हम देखें तो किसानों का विरोध नए कृषि कानून को लेकर जो पहले थम चुका था, अब एक बार फिर से उस आंदोलन को हवा मिली है। अब देखिए, पुलिस ने किसानों को जब रोका है तो किसान और भड़क गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी हिंदुस्तान पर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं किसानों को रोकने के लिए। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आक्रोश में अन्नदाता आ गया है। तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे तैयारी कर रही है पुलिस। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी आप देखिए, ऊपर ब्रिज से कैसे बैरिकेडिंग को नीचे तोड़ दिया गया। ये देखिए किसानों का प्रदर्शन देख रहे हैं आप, उग्र आंदोलन और कहीं ना कहीं आक्रोश साफ नजर आ रहा है। देखिए पुलिस से भिड़ते हुए, पुलिस को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए किसान, ये पत्थरबाजी शुरू हो गई है श्वेता। लक्ष्मी देखिए किस तरीके से दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पुलिस जो है वो तैयार है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है वो आक्रोशित है और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। रोकने के लिए पुलिस जो है पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, दूसरी तस्वीर देखिए पुलिस को खुली चुनौती देते हुए, और ये देखिए पत्थरबाजी भी यहां पर हुई है। हर्षा और हितेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ लाइव है। राहुल लाल जी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज यादव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पहला अपडेट हर्षा आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, जीरो ग्राउंड पर मौजूद है, सुबह से आप अपडेट दे रहे हैं हर्षा। देखिए मैं आपको बताऊं कि पटियाला से काफी आगे निकल चुके हैं किसान, पटियाला क्रॉस कर चुके हैं और आप ये समझ लीजिए कि सोनीपत ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि सिंधु बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। जब सिंधु बॉर्डर से सीधा दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात लक्ष्मी समझने की ये है कि जो लगातार बात हो रही है, ये वाकई में खेती करने वाले किसान है, भूमिहीन किसान है, या वाकई में जो मंडी में किसान पहुंचते हैं वो वाले किसान है जो धरना करने दिल्ली पहुंचे, या फिर ये किसान नेता है, आड़ती है, जो एजेंट्स है, वो तमाम लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में मौजूद है। क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इन कानून के बारे में पूरी तरह से पता ही नहीं है कि आखिरकार ये कानून क्या है, ये किसान के लाभ हित में कितना है या फिर इसमें नहीं है, ये तमाम चीजें किसानों को आइडिया ही नहीं है, उनको उतना ही पता है जितना कि नेताओं ने इनको बताया है। ऐसा कह सकते हैं कि किसी को भरमाया गया है, किसानों को भरमाया गया है। हितेन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हितेन आपके पास क्या अपडेट है? हर्षा बता रही है कि बहुत लोगों से बातचीत हुई, उन्हें तो कानून के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो विरोध क्यों? देखिए जो भी कुछ पटियाला में हुआ उसके बाद यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। जी हिंदुस्तान पर ये पहली तस्वीर है कि यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, फोर्स जो है वो और बड़ी संख्या में तैनात की गई है। पहले जो फोर्स थी उससे ज़्यादा डेप्लॉयमेंट जो है वो फोर्स की यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले सिर्फ एक ही वज्र वैन थी, लेकिन अब वरुण वैन जो बड़ी वैन है वाटर कैनन की, वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं कि मतलब जिस तरह से विरोध चल रहा है, सबसे पहले तो आप किस संगठन से जुड़े हैं और क्या कहना है आप लोगों की, क्या मांगे हैं? 3 दिसंबर को सरकार ने जब बुलाया है आप लोगों को, तो फिर आपने इंतजार क्यों नहीं किया सरकार से मिलने का? मैं समीर शर्मा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और मेरे साथ हैं मेरे साथी हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, राष्ट्रीय महासचिव। और जहाँ तक बात आई कि किसानों को बुलाया गया है, ये किसानों को बुलाने का जो ढोंग रचा रही है ये सरकार अब जनहितैषी नहीं रहेगी, ये सिर्फ धन हितैषी है और धनपति जो बैठे हैं 2 या 4 उन्हीं को फायदे की सारी नीतियाँ बनाई जा रही है। अगर इतना ही तो 3 दिसंबर को जाएंगे मिलने आप लोग? किसानों के बारे में हम लोग नहीं हैं उनका फैसला बताने वाले, क्योंकि हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड बताने के लिए आए हैं और हम हमेशा मजलूम के साथ किसानों के साथ हैं। मतलब यहाँ पे लक्ष्मी आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा,
आप देखिए ये तस्वीरें, ये इस तरह से यहाँ पे खड़े हैं, तैनात हैं, जैसे किसी जंग के मैदान में इन्हें थोड़ी देर में उतारा जाना। मैं हितेन रोक रही हूँ आपको। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अक्षय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, वहां से अपडेट दे रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। अक्षय, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इलाका वो इलाका है जो इस वक्त रोज जाम की परेशानी से जूझ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल सुनसान था। हाल ही में कुछ गाड़ियों को यहाँ से जाने की इजाजत मिली है, लेकिन दूसरी बार आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि किसान इसी रास्ते से दिल्ली में कूच करने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही साथ यहाँ 12 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी हालात से जल्द निपटा जा सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, जो पूरे हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से कि तकरीबन 4000 ट्रैक्टर लेकर, जिनमें करीब करीब 25,000 महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, वो अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इसे देखते हुए हरियाणा में 144 धारा लागू की गई थी, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। वहां बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, और यही वजह है कि अब जब बारिश दिल्ली की आई है तो आप देख लीजिए कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। यहां पर 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। हम आपको बता दें कि हमें भी अंदर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले लेवल की जो बैरिकेडिंग थी उसे पार कर पाना भी मुश्किल है। कुछ गाड़ियां जिनके घर यहां आसपास है उन्हें यहां आने की इजाजत मिल रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रॉपर कागजात दिखाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई है लक्ष्मी। इसके अलावा अब देखना यह है कि अभी जो 2 बजे के आसपास यहां पर बताया जा रहा है कि सामान्य स्थिति हो सकती है, लेकिन उससे पहले तकरीबन 1 घंटे के भीतर यहां हालात जो अभी नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से ये ऐलान बार बार किया गया है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल अक्षय, देखिए पटियाला बॉर्डर से ये खबर जो हर्षा लगातार हमें अपडेट दे रही थी, बता रही थी वो कि वहां से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए यहां तक कि पुलिस को वहां सरेंडर करना पड़ा, ये स्थिति बन गई और वहां से किसान आगे बढ़ चुके हैं। तो जाहिर है कि अब आगे क्या व्यवस्था है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यवस्थाएं मुकम्मल है या फिर यहाँ पर भी परेशानी होगी पुलिस को। बिल्कुल, देखिए ये तमाम स्थितियां जो है बनी हैं इन्हें ही देखते हुए अब दिल्ली पुलिस से कमर कस रखी है। सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है कि इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर ये बढ़ते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए कि दिल्ली मेट्रो जो यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है वो भी नोएडा से गुड़गांव की ओर अभी नहीं चल रही है। 2 बजे के बाद उस पर विचार किया जाएगा कि उसे चलाया जाए या ना चलाया जाए। वहीं दूसरी ओर सड़क से जो लोग अभी जा रहे हैं दूसरे हिस्सों में उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज समझनी होगी लक्ष्मी, कि जो भ्रम फैलाया गया है या ये स्थिति बनी है इसे दूर करने के लिए बातचीत का जरिया होना चाहिए। संवाद बहुत जरूरी है। सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं इस आंदोलन के बूते, क्योंकि MSP को लेकर पूरी जी। मैं आ रही हूँ। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल लाल, संवाद हर समस्या का हल हो सकता है। सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, आइए बातचीत करिए, लेकिन क्या तस्वीर गवाही दे रही है कि जो भ्रम फैलाया गया उसने ये तस्वीर को यहां पैदा कर दिया, भोले भाले अन्नदाता को बरगलाया गया, भ्रमित किया गया। सबसे पहला तो ये भ्रम नहीं फैलाया गया है। अब नए पीढ़ी के किसान काफी जागरूक है, सरकार के एक एक गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर रहती है, इसलिए वो इंटरनेट से जुड़े हुए और पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2 के सारे किसान समझ रहे हैं अगर इनको वार्ता करनी थी तो किसानों का यही तो कहना है कि वार्ता करके तो कानून लाते हैं ना। जब कानून बना लिए, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप वार्ता कर रहे हैं। किसानों की सीधी मांग है कि या तो आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए या तो फिर एक कानून आप और ले आइए। 3 कानून आपने बनाए, 1/4 कानून और बना दीजिए जिसमें कि गारंटी दे दीजिए कि MSP आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, कृषि मंत्री कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो केंद्र सरकार में शामिल है वो कह रहे हैं, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा है। इसलिए किसानों का डिमांड है या तो इस कानून को आप वापस ले लीजिए या तो इन कानूनों को आपको रखना है बहुत अच्छे से संभाल। राहुल लाल, जब प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं तो आखिरकार प्रधानमंत्री की बातों पर तो भरोसा होना चाहिए। प्रधान सेवक अगर खुद कह रहा है तो उनकी बातों को तो सुनना चाहिए, उनसे ऊपर कौन है? मनोज यादव जी, जवाब दीजिए। बार बार कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो स्थिति क्लियर नहीं कर रही है।
बार स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, हमारे कृषि मंत्री जी भी बार बार बोल चुके हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं और हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री भी इसके लिए बार बार बोल चुके हैं और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि एमएसपी पे इस कानून का कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी बना रहेगा, सरकारी खरीद बनी रहेगी। दूसरा सवाल, मंडी व्यवस्था भी बनी रहेगी, किसानों की निर्भरता कम होगी। आप ये बताइए कि एक किसान अगर एक क्षेत्र में अपने दूसरे राज्य में फसल बेच सकता है, उसको आजादी मिली है, उसको अपनी फसल की कीमत अगर दुगनी वहां मिल रही है तो वो वहां जाकर ले सकता है, उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। और जहां तक जी मनोज यादव जी, यहां पर आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, सर्दी में किसानों पर पानी की बौछारें की जा रही है। लक्ष्मी, बड़ी खबर इस वक्त, देखिए कैसे राजनीति होती है। सर्दी में किसानों पर यानी बौछार हो रही है, किसानों की आवाज नहीं सुन रही है सरकार, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट सामने आ गया है। मनोज यादव जी, बिना देरी के सवाल मेरा आपसे ही है, कांग्रेस साफ तौर पर सीधा आरोप लगा रही है कि आप किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। अक्षय भी मेरे साथ जुड़े हैं, अक्षय मैं आऊंगी, लेकिन पहला सवाल मनोज यादव जी आपसे, कांग्रेस ने ट्वीट करके जता दिया है एक बार फिर से कि हम तो हितैषी हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। देखिए कितने बड़े हितैषी हैं, मुझे ये बताइए कि इस किसान जो सुधार बिल लाया गया उससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है, प्रियंका वाड्रा को ये भी बताना चाहिए। एक केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों भाई बहन जो है ट्विटर खेलते रहते हैं, ट्वीट करना तो आसान है, लेकिन मुझे ये बताइए अगर इस बिल से किसानों को फायदा हो रहा है, उसकी आय दुगनी हो रही है, उसको मंडियों में वो कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है, एमएसपी का कोई नहीं की गई है, तो समस्या क्या है? और दूसरी बात, देखिए इस बिल में स्पष्ट प्रावधान किया गया, राहुल गांधी जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे स्पष्ट प्रावधान किया गया, तो आप कह रहे हैं मनोज जी कि इस पर कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, बल्कि सरकार जो है वो तमाम दरवाजे खोल रखी है कि किसान आए और उनसे बातचीत करे, बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रही है। अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी सवाल आपसे है, अक्षय सवाल करेंगे, अक्षय ओवर टू यू। राहुल जी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि सारे किसान एक साथ हैं, तो क्या बिहार में किसान नहीं है क्या? माना जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट होगा किसान बिल का, और बिहार में तो सत्ता में एक बार फिर से एनडीए आ गई है, बीजेपी वहां पर आपसे कितनी आगे है ये आप देख लीजिए, तो आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक तरीके से किसानों की सहमति मिल गई है इस बिल को और बाकी जगह पर किसानों को भड़काया गया है? अक्षय जी आपके प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है, बीजेपी कितनी आगे बढ़ गई है, बीजेपी 74 पे है, आरजेडी 75 पे है, तो अभी भी वहां पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई है, ये किसानों का जन समर्थन ही है, वो अलग बात है कि कुछ और अलग। अरे सर आप अपनी स्थिति देखिए, हम कैसी बातें कर रहे हैं, बीजेपी जहाँ पर पहुंची है उसका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, पिछले बार से भी बेहतर है, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? चुनाव के परिणाम, आप सत्ता में तो आगे ना, सत्ता में तो आगे ना इसी किसान बिल के बाद, तो ये तो भरोसा जीतने वाली बात हो गई है। देखिए मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, खाली हमें कुछ सेकंड समय दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों के आय को दुगुनी की जाएगी, इसके लिए उन्हीं की अध्यक्षता में जो नीति आयोग है वहां पे अशोक दलवाई की कमेटी का गठन किया गया था 2016-17 के समय में, उनको पूछा था कि किसानों के आय को कैसे डबल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को कम से कम हमें 10-12% ले जाना पड़ेगा, जबकि अब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.5% से ऊपर नहीं जा रहा है। इतनी सी बात बता दीजिए ना, कितने प्रतिशत किसानों की मंडी में फसल बिकती है सर, कितने प्रतिशत किसानों की मंडी में फसल बिकती है, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? राहुल जी आप ये बता दीजिए ना कि आप आरतियों के साथ ज्यादा नजर आते हैं, आप किसानों के साथ नजर नहीं आते, अभी तो उनके पास मंडी भी खुला हुआ है, बाहर का बाजार भी खुला हुआ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी मंडियां खुली हुई हैं, लेकिन ये जो तीन कानून है, इन तीन कानूनों के आने के बाद से उन मंडियों के विकल्प घटेंगे। देखिए एक तरह से एपीएमसी जो कि परंपरागत व्यवस्था है वो कायम है, ये सही है कि अभी सीधे उसके ऊपर हमला नहीं है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट हमला किया जा रहा है, जब आप प्राइवेट सेक्टर के मंडियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे, अभी अगर व्यापारी मंडी से खरीद रहे हैं तो ज्योतिष निकल गए सर, पड़ रहा है आप तो ज्योतिष निकल गए, आपको मालूम है कि 2050 में क्या होने वाला है सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपने मान लिया कि आने वाले वक्त में भी आप सत्ता में नहीं होंगे, आप अगर लगता है कि आप सत्ता में आएंगे तो आप उस समय हटा दीजिएगा अगर आपको लग रहा है गलत है तो। 2024 तक तो सरकार ने जनादेश दिया हुआ है ना, जनता ने सरकार को जनादेश दिया हुआ है, उसी के भीतर जो घटनाएं घटेंगी वो किसान समझ रहे हैं। अक्षय मजेदार बात तो ये है कि हर्षा जो कि वहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, वो ये बता रही थी कि बहुत लोगों से उनकी बातचीत हुई, उन्हें मालूम भी नहीं है कृषि कानून बिल है क्या, बावजूद इसके विरोध कर रहे हैं, और राहुल लाल उनको सपोर्ट।
विरोध कर रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि बिल है क्या, वो कैसे विरोध कर सकते हैं? ये विरोध की राजनीति नहीं है तो क्या है राहुल लाल जी? आंदोलन में एक एक व्यक्ति से आप पूछेंगे कि क्या कारण है, तो एक एक को बिल्कुल क्लियर नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता कि एक एक व्यक्ति जान डालता है, लेकिन हाँ उसके मूल लक्ष्यों से सारे लोग परिचित होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि जो बिना एपीएमसी वाले जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे नहीं लगेंगे तो एपीएमसी कानून किसानों के विरोध में। अरे राहुल जी, किसानों के विरोध में कोई कानून नहीं है, आप विरोध में हैं, आप चाहते हैं पॉलिटिकल राजनीति के रूप में देखना, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, डबल करने की बात की थी मनोज जी, अभी सुन लीजिए ना, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैं छोटे से राहुल लाल जी छोटा सवाल अक्षय ने किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, जलेबी घुमा दिया। हालांकि मैं किसी का यहाँ सरकार का समर्थन करने के लिए नहीं बैठी, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि आप तो मानते हैं ना कि जनमत सबसे बड़ा होता है, अगर जनता सहयोग दे रही है इसका मतलब है कि वो हर फैसले को स्वीकार कर रही है, और उसका जवाब आपने नहीं दिया कि आखिर उसको कैसे देखा जाए। जनता स्वीकार करे तो सड़कों पर क्यों आती, सड़क पर भी जो लोग है वो जनता ही है, वो हमारे अन्नदाता। कितने राज्यों से कर रहे हैं, कितने राज्यों से सर? देखिए आप ये चीज समझिए कि कहाँ पे होगा, जहाँ पे एपीएमसी का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है लोगों को। देखिए हम लगातार किसानों के साथ बने हुए हैं, किसानों की हर समस्या का समाधान हो ये जी हिंदुस्तान चाहता है। किसानों के लिए हम लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं आपके सामने कि आखिर आप सरकार किसानों को समझाने में, उनका भरोसा जीतने में आखिर क्यों पीछे रही, क्यों नहीं ऐसा लगा कि वाकई जब आप कोई बिल उनके हित के लिए ला रहे हैं तो जब आप बाकी लोगों को समझा सकते हैं तो किसान जो कि उस बिल को फोकस करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसको क्यों नहीं समझा पाए, ये बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी, फिलहाल श्रोता वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।